नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर तहसील के थाना परिसर में शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक का आयोजन आगामी होली और रंग पंचमी के त्योहारों को देखते हुए किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी के साथ ही साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नगर के वरिष्ठ लोगों के साथ युवा सम्मिलित हुए। इस अवसर पर नगर के लोगों के द्वारा एक स्वर में कहा गया कि होली और रंग पंचमी का त्यौहार शांति और सौहार्द का त्यौहार है। ग्यारसपुर एक शांति प्रिय शहर है, जिसकी शांति की मिसाल देश भर में दी जाती है। हम सारे के सारे लोग मिल करके होली और रंग पंचमी का त्यौहार बड़े ही सौहार्द और बड़ी ही सहजता के साथ मिलजुल करके मनाएंगे। शांति कमेटी की बैठक में तहसीलदार अजय शर्मा, नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव, थाना प्रभारी ब्रजेश भार्गव के साथ ही साथ नगरवासी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर तहसीलदार से पूछा गया कि प्रशासन की आगामी त्योहारों को लेकर की क्या तैयारी है, तो उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सभी नगरवासियों को मार्गदर्शित किया गया है। शांति समिति की बैठक में उपस्थित ग्यारसपुर के वरिष्ठ समाज सेवी राम सेवक सक्सेना, रूप सिंह पटेल, सरपंच प्रतिनिधि लीलाधर कुशवाह, राजेश जैन, ऋतिक पंथी, राशिद खान, रघुवीर सिंह सिसोदिया, शिव नारायण शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। त्योहार के उत्सव में आप हिंदू उत्सव समिति ग्यारसपुर के अध्यक्ष हैं, उसमें आपका क्या रूपरेखा रहेगी, आपने क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां जो परंपरा से ग्यारसपुर में चली आ रही हैं त्यौहार मनाने की, वही परंपराएं यहां पर यथावत रहेंगी और उन्हीं धार्मिक आस्थाओं के साथ यहां इस बार भी रंग पंचमी के दिन विशाल बिहारी जी के मंदिर से विमान उत्सव निकलेगा। दुर्गा चौक, बस स्टैंड और जो भी धर्म प्रेमी अपने घर पर विमान रोकने की व्यवस्था करेंगे, उनके यहाँ भी विमान श्री कृष्ण जी का, भगवान जी का, बांके बिहारी जी का जाएगा और बांकी के ग्यारसपुर में शांतिपूर्वक सभी लोग होली मनाते हैं। अपरिचित को कोई जबरदस्ती रंग गुलाल भी नहीं लगाता, जिनसे परिचित हैं वही आपस में होली मिलन करते हैं और धुरैली के दिन भी सब लोग आपस में ही प्रेम से होली मनाते हैं और होली जलने का कार्यक्रम भी रात में शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ की परंपराएं धार्मिक हैं उन धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही ये होली का त्यौहार इस बार मनाएंगे। ऐसी मेरी धार्मिक उत्सव समिति अध्यक्ष के साथ और बाकी पूरे गांव वालों के जो मेरे साथी लोग हैं, पूरे गांव के सभी लोगों के साथ ये त्यौहार बहुत अच्छे से आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए ये शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और सभी जो होली और रंग पंचमी का जो त्यौहार आ रहा है उसमें सभी भाईचारे से त्यौहार मनाएं, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं, सभी से ये अपील की। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।